ने ले ली युवक की जान। गलत साइड से आ रही कार से जोरदार टक्कर, आरोपी छूट गया, मां रोती रही। पुलिस पर सवाल, आखिर कहां है न्याय। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। गुड़गांव का यह बाइक एक्सीडेंट देखकर आपको दुख होगा, लेकिन गुस्सा आएगा उन लोगों पर जो गलत साइड चलाकर खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी ले डूबते हैं। एक ऐसा ही वीडियो हरियाणा के गुड़गांव शहर से सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति जिसका नाम अक्षत गर्ग बताया जा रहा है, वो गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन को पार करते हुए साइबर सिटी साइड जा रहा था, लेकिन अचानक से गलत साइड से आ रही कार ने बाइक सवार अक्षत को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि अक्षत का जो वीडियो सामने आया है उसमें अक्षत तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। पहले आप ये वीडियो देखिए पूरा और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से अक्षत गर्ग पहले तो तेज रफ्तार में बाइक चलाता है, उस वीडियो को उसका दोस्त बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ गलत साइड से आ रही कार से उसकी टक्कर हो जाती है। ये वीडियो देखिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं गुड़गांव पुलिस पर, कहां गई थी गुड़गांव पुलिस जिन्होंने गलत साइड से आ रही कार को रोका ही नहीं, और कौन है वो व्यक्ति जो गलत साइड पर कार चला रहा है। ना तो कोई इंडिकेटर दिया गया, बताया जा रहा है कि युवक की बाइक कार से टकराई और वो फिर बुरी तरह से घायल हो गया, और जो यह वीडियो बना रहा था वो उस युवक का दोस्त था जो तुरंत मौके के पास के अस्पताल में अपने दोस्त को लेकर गया। जब दुर्घटना में अक्षत गर्ग घायल हुआ तो तुरंत पास के अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल तो यह है कि आखिर गलत साइड लोग चलाते क्यों हैं? जो व्यक्ति कार चला रहा था उसे गुड़गांव पुलिस ने थाने लेकर गई। गुड़गांव पुलिस पूछताछ की, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, जैसे कि वो दोबारा ऐसी हरकत पर कर पाए, और इसीलिए गुड़गांव पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आरोपी को छोड़ा क्यों गया। अब मृतक की मां रो रही है, न्याय की मांग कर रही है, पुलिस पर सवाल उठा रही है। मृतक की मां का कहना है कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, लेकिन आरोपी आराम से चैन की नींद ले रहा होगा। आखिर पुलिस क्या कर रही है, आखिर पुलिस ने आरोपी को छोड़ा क्यों। इस एक्सीडेंट से आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि पहले तो आप गलती से भी गलत साइड पर ना चढ़ाए और ना ही तेज रफ्तार, वरना आप तो चले जाएंगे लेकिन जिंदगी भर दुख आपके माँ बाप की जिंदगी में आ जाएगा। ध्यान रखिए और इस वीडियो से आप कितना सबक ले रहे हैं, और जो व्यक्ति रॉन्ग साइड चला कर आ रहा था उससे आप क्या कहेंगे, और पुलिस ने आखिर उस युवक को छोड़ दिया उस पर आप क्या कहेंगे। क्या यही कानून है, क्या यही प्रशासन है। इस वीडियो में कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।